दोस्तों स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। तो दोस्तों आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूं। दोस्तों बात है राजस्थान CHO के 3531 पद पे जो विज्ञापन आया है उस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग इस वैकेंसी के लिए तैयार हो रहे हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये वैकेंसी सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी वैकेंसी है। जो स्टूडेंट्स CHO जॉब कर रहे हैं आउट ऑफ स्टेट के अंदर, उन लोगों को अपने स्टेट में CHO की जॉब करनी है, और वो लोग जो भी रिसेंटली पास आउट हुए हैं BSc नर्सिंग या GNM, उनके लिए भी बहुत ही शानदार ये मौका है CHO बनने का। तो उन लोगों के अंदर भी बहुत अच्छा जुनून और जोश है CHO बनने का। तो दोस्तों इसके अंदर तमाम क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि सर आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताइए कौन सी बुक बेस्ट है, पेपर का लेवल क्या रहेगा, इस बार RPSC एग्ज़ाम करवा रही है, पेपर आउट तो नहीं हो जाएगा, 3 महीने में कैसे हम लोग ये तैयारी करें। दोस्तों तमाम ये टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो के 3-4 मिनट के इस वीडियो के अंदर। आप लोगों की लाइफ भी बन सकती है, आप CHO बन सकते हैं राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तभी आप लाइक कीजिएगा, वरना आप लाइक ना कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों जिन लोगों को रियल के अंदर एम्स या फिर CHO की कोई भी नोटिफिकेशन की कोई भी आवश्यकता हो या फिर PDF आप लोगों को चाहिए लास्ट ईयर की प्रीवियस पेपर की, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आपकी विशेष है, आप उसे ज्वाइन ना कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या राजस्थान CHO का पेपर इस बार RPSC एम्स लेवल का बना देगी क्या। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन के अंदर डाउट है कि सर इस बार RPSC एग्ज़ाम करवा रही है तो सर क्या ये पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पे आ जाएगा। बिल्कुल गलत है, मैंने पहले ही कट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों कॉन्फिडेंट रहना है, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है। अभी भी आप लोगों के पास 3 महीने का समय है। एग्ज़ाम का लेवल जैसा आप सोच रहे हैं कि बहुत हार्ड आएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसा कोई भी पेपर आप लोगों के लिए नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाए। तो दोस्तों आप लोगों को 3 महीने तक प्रिपरेशन करनी है। कैसे करनी है पूरे वीडियो के अंत तक बने रहो, मैं ज़रूर आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों RPSC हमेशा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो ये पहला एग्ज़ाम है जो आप लोगों के लिए कंडक्ट करवा रही है CHO जैसा एग्ज़ाम। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो चांसेस हैं वो चांसेस ये हैं कि जो बैक ईयर के जो पेपर हैं CHO के, चाहे वो किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो UP के हों, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे वो MP के हों, दोस्तों सारे पेपर की आप एक मैं साइट जो है वो बता दूंगा। उस साइट से आप लोग अलग अलग स्टेट के पेपर के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहाँ से आप पेपर निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। किसी प्रकार की कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए प्रिंट निकाल लीजिए। 50 से 100 रुपये के अंदर सारे प्रिंट्स निकल जाएंगे आप लोगों के, और आप उन पेपर को डेली सॉल्व कीजिए। दोस्तों सॉल्व आपको किस प्रकार से करना है, सामने आप लोग उस पेपर को रखिए और अपने पास एक कॉपी रखिए कि पहले क्वेश्चन में ए आएगा कि बी आएगा, दूसरे में सी आएगा कि डी आएगा। इस प्रकार से आप लोग पूरे पेपर सॉल्व कीजिए। आपको उस टाइम ऐसा एहसास होना चाहिए कि हाँ आप अभी ही राजस्थान CHO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय आप इस एनवायरनमेंट के अंदर ढल जाएंगे। आपके लिए एग्ज़ाम जो आप दोगे उसके लिए आप एकदम फैमिलियर हो जाएंगे, वो आपके लिए बहुत इजी होगा जब आप राजस्थान CHO का एग्ज़ाम देंगे, जहाँ पे एक क्वेश्चन 4 नंबर का आप लोगों के लिए होने वाला है। तो दोस्तों वहाँ आप एकदम फैमिलियर हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार का वहाँ स्ट्रेस नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले पेपर की प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कीजिए। बैक ईयर के जितने भी पेपर्स हैं वो आप बिल्कुल उन लोगों उनकी तैयारी कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि RPSC एम्स लेवल का पेपर बनाएगी, बिल्कुल नहीं बनाएगी, क्योंकि RPSC को CHO का पेपर किस प्रकार से बनाना है उसका कोई आइडिया है नहीं, क्योंकि दोस्तों पहली बार कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी का वो एग्ज़ाम का पेपर कंडक्ट करवा रही है, तो इतना एक्सपीरियंस उन लोगों के पास है नहीं। लेकिन आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, जैसे पहले आप लोगों का पेपर आउट हो गया था, पेपर बीके थे, ऐसी सूचनाएँ हम लोगों को मिल रही थी, आप लोगों को मिली होगी, ऐसा इस बार नहीं होने वाला है।
देखिए 1-2% इस प्रकार की हरकतें होती है, लेकिन वो मायने नहीं रखती है। लेकिन 98% पेपर की जो सीट्स हैं वो मेहनत पे ही आप लोगों को मिलने वाली है। तो RPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, तो आप लोगों को बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ऑफलाइन आप लोगों का पेपर होने वाला है, ऑनलाइन कोई पेपर नहीं होगा, एक क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बुक को सजेस्ट करूंगा कि कौन सी बुक रहेगी। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल भी कोई प्रोमोटिव वीडियो नहीं है। हम लोग किसी भी कोचिंग को, किसी भी बुक को प्रमोट नहीं करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हमारा एक्सपीरियंस बताते हैं, लोगों से पूछते हैं, वो लोग हम लोगों को जो सजेस्ट करते हैं वो हम आपको बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने लेवल पे वो बुक ले सकते हैं, नहीं भी लेना चाहें तो वो आपकी विशेष है। तो दोस्तों अगर बुक की बात करें तो टारगेट CHO जो अभी टॉप पे बुक चल रही है, हम लोगों ने सभी लोगों से पूछा है, वोटिंग करवाई है, सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं वो टारगेट CHO को मिले हैं। बहुत शानदार बुक आप लोगों के लिए होने वाली है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बुक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों को कहाँ से ये बुक ख़रीदनी है, अमेजोन के अंदर जो आप लोगों को ये बुक मिलेगी वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक। उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस बुक को आप ले लीजिए। 500+ रुपए की ये बुक होने वाली है। इसके अंदर आपको बैक ईयर के पेपर्स और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिल जाएंगे और मेन पॉइंट भी इसके अंदर आप लोगों को अवेलेबल है। राजस्थान CHO के लिए सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए ये बुक होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि RPSC जो है वो बैक ईयर के पेपर से एग्ज़ाम करवाता है। मात्र 3 महीने में किस प्रकार तैयारी करें, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। आप लोगों को कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। अब इसके अंदर बोला है सिलेबस क्या है, मेरे पास मैसेज आते हैं कि राजस्थान CHO का सिलेबस क्या, कोई सिलेबस नहीं है, पूरी नर्सिंग है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। कम्युनिटी पार्ट, क्योंकि आपकी वैकेंसी का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो दोस्तों कम्युनिटी के पार्ट को आप लोगों को रट देना है, चाहे वो टॉपिक किसी कम्युनिटी के किसी भी टॉपिक का हो। मान लीजिए वो इम्यूनाइजेशन का है तो इम्यूनाइजेशन के नए शेड्यूल को आप लोगों को याद कर लेना है। इसके अलावा कमेटीज जो भी हैं, चाहे भोर कमेटी हो, चाहे सेठी कमेटी हो, किसी प्रकार की कोई भी कमेटी हो, सभी कमेटीज़ भी आप लोगों को याद करनी है। तो किसी प्रकार का कोई भी टॉपिक आप लोगों को नहीं छोड़ना है। सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बुक सामने जो भी मिले सारे क्वेश्चन आप किसी बुक के सोल्व कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको एक बुक को टारगेट करना है और उस बुक का नाम भी टारगेट CHO है, उसको आप टारगेट कीजिए। टारगेट करने के बाद जैसे वो सोल्व हो जाती है तो आप टारगेट हाई को सोल्व कीजिए, इसके अलावा PR यादव को सोल्व कीजिए, प्रीति अग्रवाल को सोल्व कीजिए। लेकिन आप उन बुक को सोल्व तभी कीजिएगा जब आप लोगों का सिलेबस पूरा थ्योरी का पूरा हो जाए। कोचिंग की बात है तो कोचिंग करने का आप लोगों के पास टाइम नहीं है, नए कैंडिडेट है, कोचिंग आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करके कोचिंग जो भी हमारे बेसिस पे बताएंगे, जो भी बेस्ट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनली बता दूंगा। टेलीग्राम के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।